iPhone 13 in 2023. Let's talk about this. Guys, ये है iPhone 13 जो कि Apple ने लॉन्च किया था September 2021 में। इसके लॉन्च प्राइस की अगर बात करूं तो भाई 80,000 रुपए में लॉन्च हुआ था और आज की डेट में अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ये अराउंड 60,000 रुपीज के आसपास आपको ऑनलाइन मिल जाएगा डिस्काउंट वगैरह काट के, और ऑफलाइन स्टोर्स में भी ये आपको अराउंड 58,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। तो भाई पहले ऑफलाइन में जरूर चेक कर लेना क्योंकि ऑनलाइन से सस्ता मिल जाता है ऑफलाइन में यूजुअली। या फिर ये वाला अगर आईफोन आपको सेकंड हैंड मिल रहा है तो क्या आईफोन 13 2023 में लेना वर्थ है कि नहीं, बात करेंगे इस वीडियो में इसी बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, माय नेम इज मोहित, वेलकम टू माय चैनल। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड की। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ पे पूरा का पूरा ग्लॉसी ग्लास मिल जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम सा दिखता है। एंड यही पीछे ये आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो की मैट टेक्सचर के साथ आता है। एंड यहाँ पे आपको दो डायगोनल लेंसेज मिल जाते हैं। इसके फ्रेम की बात करूं तो भाई चारों ही तरफ पे आपको मैट टेक्सचर के साथ एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है जो की 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम फ्रेम है। बिल्ड की बात करूं तो काफी ज्यादा टफर है एंड दिखने में काफी प्रीमियम दिखता है। एंड पर्सनली मुझे ये मैट टेक्सचर वाला ज्यादा पसंद आता है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में भी। इसके फ्रंट में आपको सिरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा टफर डिस्प्ले है। ऑल्सो यहाँ पे एक मिड साइज का नॉच भी मिल जाता है। आईफोन 12 में इससे बड़ा वाला नॉच आता था एंड आईफोन 14 में एक्जैक्टली इसी साइज का नॉच मिलता है। ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है यानी कि इसको आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स। इसके अलावा ये 5G बैंड्स के साथ आता है। 5.78 इंचेस की इसकी हाइट है, 2.81 इंचेस इसकी विड्थ एंड 174 ग्राम्स का इसका वेट है। भाई ओवरऑल बताऊं तो 13 एंड 14 एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे सिर्फ इनके कलर्स का डिफरेंस है, बाकी ये एग्जैक्टली सेम डिवाइसेस हैं। तो दिखने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, 13 लो या 14 लो दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक OLED डिस्प्ले है जो कि सपोर्ट करता है HDR10 को, Dolby Vision को, भाई लगभग यही स्पेक्स मिल जाते हैं। इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो 800 nits की ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है एंड HDR कंटेंट देखते हो तो 1200 nits की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड भाई 14 में भी सेम ही मिलता है। यहाँ पे इस डिस्प्ले को अगर iPhone 12 के डिस्प्ले से कंपेयर करूं तो भाई ब्राइटनेस का हल्का सा डिफरेंस है। इसके अलावा जो नॉच का साइज है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। इसके अलावा वहां पे भी आपको सेम ही डिस्प्ले मिलता है एंड iPhone 14 और ये तो एकदम एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कलर की बात करूं तो भाई बहुत कमाल के कलर्स प्रोवाइड करता है, कंटेंट वॉचिंग के लिए देख रहे हो, गेमिंग के लिए देख रहे हो, बहुत कमाल का डिस्प्ले हो जाता है। हाँ 60 हर्ट्ज है तो गेमर्स के लिए थोड़ी सी चिंता करने वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन नहीं मिलेगा गेमिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि इसका 60 हर्ट्ज बहुत ज्यादा स्मूथ है, आप एक बार यूज करके देखोगे, बहुत कमाल का फील देता है जब तक आप iPhone 13 Pro या 13 Pro Max यूज नहीं कर लेते, क्योंकि अगर आप iPhone 13 Pro या 14 Pro यूज कर लेते हो तो भाई उसके बाद आपको ये जो 60 हर्ट्ज है ये काफी ज्यादा आंखों में खलने लगेगा, तो ये चीज मैं पहले ही बता दूं। बाकी मैं ओवरऑल बताऊं तो काफी अच्छा डिस्प्ले है, ब्राइटर है, कलर्स काफी बेटर मिलने वाले हैं आपको एंड कंटेंट वॉचिंग के लिए दी बेस्ट डिस्प्ले हो जाता है। चलो बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की। इसमें आपको A15 बायोनिक चिप मिल जाती है जो की आती है 4-कोर GPU के साथ एंड 6-कोर CPU के साथ। ऑल्सो इसमें 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है एंड मैं बता दूं आपको कि भाई ये सेम चिप आपको iPhone 14 में भी मिलती है, सिर्फ यहाँ पे आपको GPU का एक कोर ज्यादा मिल रहा है, बाकी ये एग्जैक्टली सेम है। तो भाई मैं बोल सकता हूँ इसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम वही पावर मिलेगी जो कि आपको iPhone 14 में मिल रही है। एंड मैं बता दूं कि 14, 13, 12 में भाई इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है पावर में, दोनों तीनों फोन जो है ये काफी बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर इसमें आप हार्ड कोर गेमिंग भी करते हो भाई आराम से कर सकते हो, कहीं पे भी आपको लैग नहीं देगा, कहीं पे भी आपको ऐसा अटकने वाला फील नहीं आएगा एंड सरप्राइजिंगली इनमें तीनों में ही आपको हीटिंग के इश्यूज नहीं मिलेंगे, बशर्ते आपकी जो बैटरी हेल्थ है ये बेटर होनी चाहिए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ भाई वेदर का इफेक्ट पड़ जाता है, बैटरी हेल्थ का इफेक्ट पड़ जाता है, अगर बैटरी हेल्थ काफी ज्यादा कम है तो आपका फोन हीट हो सकता है, अगर आप लगातार घंटों तक गेमिंग कर रहे हो तब जाके थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका चार्जिंग पैटर्न और आपका नेटवर्क स्टेटस, अगर आप वाईफाई में कर रहे हो तो थोड़ा कम आपको हीटिंग का इशू मिलेगा, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपकी बैटरी हेल्थ को, ऑल्सो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजें ठीक है, बैटरी हेल्थ काफी अच्छी है, तो यहाँ पे आपको कोई हीटिंग का इशू ऐसा नहीं होगा। बाकी अगर बात करूं गेमिंग की तो आपको यहाँ पे बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं मिलेगा या 120 हर्ट्ज का, क्योंकि वो सिर्फ आपको प्रो मॉडल्स में मिलता है, वो भी 13 प्रो एंड 14 प्रो में। इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो भाई यहाँ पे आपको वो हल्की सी चीज जो है इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं अगर ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की तो बहुत ज्यादा कमाल का है। इसके अलावा अगर इसमें हैवी एडिटिंग करना चाहते हो तो भाई वो भी बहुत कमाल तरीके से इसमें हो सकती है, बिना किसी लैग बिना किसी ग्लिच के ये बहुत कमाल के 4
के वीडियोस तक को एडिट कर सकता है, तो ये बहुत कमाल की बात हो जाती है। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हो भाई, इसमें अगर एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, उसके लिए देख रहे हो, तो आराम से खरीद सकते हो। एंड अगर पावर की बात करूं तो भाई आईफोन 12 में भी आप सेम एडिटिंग कर सकते हो। चलो बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट की, जो की है इसकी बैटरी। इसमें आपको 3 to 4 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो की बहुत ज्यादा कमाल का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है। चार्जिंग की बात करूं तो भाई 30 मिनट्स में आपका फोन 50% चार्ज हो जाता है एप्पल के 20 वाट वाले चार्जर से। ऑल्सो इसमें मैक्सेफ चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल में अगर आपको इसकी बैटरी का आइडिया दूं तो भाई, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, फोन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, तो भाई ये आपको एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप देगा, काफी अच्छे खासे वॉच टाइम का ये बैटरी बैकअप आपको दे देगा। वहीं अगर आप इसमें काफी हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो ये अराउंड आपको 4.5 से 5.5 या 6 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप दे सकता है, डिपेंड्स ऑन योर बैटरी हेल्थ। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेटिंग्स में खेल रहे हो। तो ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा अराउंड 4 से 5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, अगर लगातार गेमिंग करते हो तो। और जो अगर ज्यादा यूज नहीं तो भाई 1 से 1.5 दिन के आसपास का ये बैटरी बैकअप दे देगा। और भाई चार्ज भी जल्दी से हो जाता है, यानी कि थोड़ा ही चार्ज करोगे तो ये काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा। तो बैटरी के लिए कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, आईफोन 12 से अराउंड 1.5 घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा ये आपको। तो हाँ, बैटरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा ये आपको। तो चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। यहाँ पे आपको डायगोनल लेंसेज मिल जाते हैं, मतलब डायगोनल पोजिशन में लेंसेज मिल जाते हैं 2, जो की 12 मेगापिक्सल के लेंसेज है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई आपको जो नाइट मोड की परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो बहुत खतरनाक मिलने वाली है, मतलब काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है इस वाले फोन में। ऑल्सो अगर फोटोग्राफी मोड्स की बात करो तो भाई इसमें आपको फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन देता है। इसके अलावा अगर फोटो क्वालिटी की बात करो तो भाई काफी कमाल के फोटोज इसमें आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक है तो भाई ये फोन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये काफी प्रोफेशनल क्वालिटी के फोटोज क्लिक करता है। एंड भाई आईफोन के फोटोज काफी ज्यादा बेटर होते हैं, एंड 13 और 14 के कैमरा में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो मैं बोलूंगा लगभग वही लेंसेस आपको मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट दे दिया गया है। वो भी मैं बोलूंगा फोटोज वगैरह में इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ वहाँ पे आपको जो एक्शन मोड है वो ज्यादा मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पे कोई इतना बड़ा खास डिफरेंस नहीं है। बाकी इसमें आपको सिनेमैटिक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप पोर्ट्रेट मोड में वीडियोस क्लिक कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल का मोड हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि इससे कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। इसके अलावा आप इसमें 4K 60fps पे HDR रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी एक अनदर एडवांटेज हो जाता है। अगर आप इसमें व्लॉगिंग करना चाहते हो तो भाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी आप 4K 60fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी HDR, तो ये बहुत कमाल की बात हो जाती है। और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करूं तो इससे भी आप 4K 60fps पे काफी स्मूथ फुटेज ले सकते हो, तो व्लॉगर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ इसके फोटोज एंड वीडियो से, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसमें किस लेवल का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, कि क्या आपको ये वाला फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। तो भाई देखो, मैं सबसे पहले एक चीज मेंशन कर दूं कि भाई आपको ये किस प्राइस पे मिल रहा है ये काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं बिग बिलियन डे सेल की बात करूं तो भाई आईफोन 13 लोगों ने 50,000 से भी कम, यानी कि 47,000-48,000 रुपीज में भी खरीदा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यू चल रही है। लेकिन अगर आपको ये काफी अच्छे खासे रेट में मिल रहा है, अगर आप सेकंड हैंड खरीद रहे हो, 45,000-40,000 रुपीज के आसपास आपको मिल रहा है, तो भाई आंख बंद करके खरीद लो, बहुत कमाल की डील हो जाती है ये। बात करूं इसको 60-58,000 रुपीज में खरीदना चाहिए कि नहीं, तो भाई देखो, अगर आपको आज की डेट में कोई फोन खरीदना है, आईफोन खरीदने की इच्छा है, तो भाई इसको आंख बंद करके खरीद लो। मत सोचो कि आपको 5,000-8,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई इनके रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज की डेट में अगर आप आईफोन 14 भी खरीद लोगे, 70,000 रुपीज का मिल रहा है, अगर वो भी खरीद लोगे, उसका रेट भी आगे चल के गिरेगा ही गिरेगा, इसका रेट भी आगे चल के गिरेगा ही गिरेगा। एंड अगर आज की डेट में नया खरीदने का सोच रहे हो और उसको ना खरीद के आईफोन 12 खरीद लोगे, जो कि अराउंड 3-4,000 रुपए कम में मिल रहा है, वो भी 128GB का वेरिएंट, तो मैं भाई रिकमेंड करूंगा उससे अच्छा तो थोड़ा सा पैसा और एक्स्ट्रा मिला के आईफोन 13 खरीद लो, बहुत कमाल की डील हो जाती है ये आपको। 5G ऑफर कर रहा है, बहुत कमाल का बैटरी लाइफ ऑफर कर रहा है, डिस्प्ले आपको OLED डिस्प्ले मिल रहा है, परफॉर्मेंस आपको आईफोन 14 फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिल रही है, तो भाई इसके अलावा और क्या चाहिए आपको अपने फोन में। मेरे हिसाब से ये वाला फोन खरीद सकते हो आप। बाकी अगर इस वाले फोन में ऑफर्स वगैरह आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं जब भी ऐसी कोई सेल वगैरह आती है तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देता हूं। तो भाई यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं उसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।